अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम मैदान बैंक से सिंध गवर्नमेंट की जो गाड़ी का जो टैक्स होता है ईयरली, उसको पे करेंगे। ऑप्स में जाएंगे, बिल टॉप ऑप्स के बाद हम वन बैंक लिंक ढूंढेंगे। जी, तो हम यहाँ पे आ गए। अब हम वन बिल सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट कार्ड हमें पे नहीं करना, कोई टॉपअप भी नहीं करना, हमें इनवॉइसेस में जाना है। और हम यहाँ से अपनी पेस्ट करेंगे आईडी। तो ये पीएसआई आईडी है हमारी। अगर ये जो आप जाके ऑनलाइन बना सकते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल देख लें, इतने सारे ट्यूटोरियल पढ़े हुए कि ऑनलाइन कैसे बनाना है। ये आ गया, ठीक है। आपका नंबर आ गया, कंज्यूमर नंबर जो पीएसआईडी सेलेक्ट हुई थी, पीएसआईडी सॉरी, वो आ गया। यहाँ पे मैं कार सिंध कार टैक्स डाल दूँगा, ऐड कर दूँगा। ये मेरा ऐड हो गया, इसमें मैं पे करूँगा। यहाँ गया, ये देखिए, ये हमारे साथ चीज़ आ गई। मेरे ये बता रहा है कि कितना अमाउंट है। अब मैं यहाँ से इसको पे नाउ कर दूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हम इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका हम प्रिंट आउट लेके रख लेंगे। और हम इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लेते हैं। आई थिंक विद इन 10 मिनट्स चेक करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेंगे। वैसे तो मेरे पास मैसेज आ गया है, अभी मैं मैसेज ये देखें, मेरा पी एस आई डी सेलेक्ट हुआ है। यो डियर कस्टमर, यू चलान फॉर टैक्स पेमेंट अगेंस्ट व्हीकल नंबर दिस एंड दिस विद अमाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली पेड। एंड हम यहाँ से अपनी रसीद ले सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे। और ये देखें, ये हमारी रसीद जनरेट हो गई। अब इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, चलान नंबर आ गया, लास्ट अमाउंट पेड जुलाई अप टू जून 2020, ठीक है। टोटल अमाउंट हमने इतना पे किया है, सर्विस चार्जेस हमने आई थिंक थोड़े से दिए हैं इसके, वो कहीं पे भी नहीं होंगे। खैर, इसका हम प्रिंट आउट अब हम अपने साथ रख लेंगे, ताकि गाड़ी को अगर कोई रोकता है और कोई पूछता है, तो फिर हम ये दिखा सकते हैं कि भाई ऑलरेडी है पेड है। अब अगर हम जाते हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट पे भी जाके देख लेते हैं। ओके, सीपीएलसी कार वेरिफिकेशन पे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से व्हीकल ले गई, यहाँ पे गाड़ी का नंबर डालना है। ये देखें, यहाँ पे डेट चेंज हो गई, टैक्स पेड 30 जून 2020। ये था ट्यूटोरियल। मैंने कहा मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, तो मैंने कहा सब लोगों का फ़ायदा हो जाए, तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मैं रैंडमली वीडियोस डालता हूँ, जो भी मैं समझता हूँ कि लोगों को फ़ायदा होगा वो मैं बना के डाल देता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।